एग्जाम्पल बी डिवीजन जो है काफी आगे आप लोगों से, राइट? सो आई मीन मैं लेक्चर वाइज ही जाऊंगी, मतलब इफ यू विल टेल मी कि मैम यूट्यूब पे किसी का लेक्चर आ गया है, वो लोग काफी आगे है हमसे, सो नो डोंट वरी, बिकॉज यू नो वो लोग का लेक्चर जल्दी स्टार्ट हो गया था इसलिए वो लोग आगे है, ठीक है? सो एनी वे मैं सब आई कीप अ नोट ऑफ ऑल थिंग्स कि यू नो कौन सा डिवीजन, सॉरी डी डिवीजन, यस डी इज क्वाइट अहेड, ओके वहाँ पे इसके बाद का आंसर जो था वो हो गया. एनसी स्टूडेंट्स, यस वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग बिफोर आई फॉरगेट टू टेल यू, हाँ ओके सी ओके या सी क्या होता है, स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क मी लाइक आपका जो फर्स्ट लेक्चर था वो तो मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब करने को बोला था, राइट? ओके सेकेंड लेक्चर जो था व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, उसमें जो पीपीटी में डेफिनेशन से वही आपको लिखना था. ये हमारा थर्ड लेक्चर है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मोर इन डिटेल, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है. सो सी स्टूडेंट्स इफ यू ऑल नो अब तक जिन्होंने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, ओके वो लोग को इतना तो समझ में आया ही होगा कि आई आस्क फॉर योर होम असाइनमेंट्स ऑन एवरी संडेज, ओके एवरी वीक. सो सी हमारा एक लेक्चर आज है, दूसरा आई डोंट नो जब भी है, बट जस्ट पे अटेंशन, आज से जो आंसर स्टार्ट हो रहे हैं ना उसमें अभी यू विल बी लाइक सी हेड पॉइंट्स एंड ऑल है, इसका आपको मीनिंग भी लिखना होगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है? सो सी मोस्ट प्रोबेबली 99% ऑन फ्राइडे यू विल हैव अ हॉलीडे, ठीक है? बिकॉज ऑफ गांधी जयंती. सो तभी मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे पास फ्री टाइम होगा, इसलिए आपका जो पूरा यूनिट वन है ना उसका मैं आपकी टेक्स्ट बुक का स्कैन करके जो PDF फॉर्म है आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन योर ग्रुप, ठीक है? कौन सा टेक्स्ट बुक एंड ऑल लेना है आई टेल यू बाय नेक्स्ट वीक. तो मैं वही बोल रही थी आपके असाइनमेंट के जो आंसर्स होंगे ना अब वो मैं बाय डे आई विल अपलोड, ठीक है? तो भले ही आई मीन यू नो आज हमारा लेक्चर हो जाए, यू ऑल नो, तो आई मीन आप सब लोग वंस आई पुट इट ऑन ग्रुप फ्राइडे के बाद ही लिखना स्टार्ट करना, ठीक है? बिकॉज आई एम श्योर फ्राइडे को आपको भी छुट्टी होगी, तो तब भी आप लोगों को टाइम मिलेगा. आज के लेक्चर में आप सिर्फ ये कंसेप्ट समझ ही लो अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स दैट आई एम टेलिंग यू, ठीक है? हाउ टू राइट असाइनमेंट वो आप फ्राइडे को आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? एंड संडे को एक ही बार आप दोनों, हमारे वीक में दो लेक्चर्स होते हैं तो आप तभी मुझे भेज देना, फाइन? सो विल क्विकली बिगिन. द फर्स्ट पॉइंट इज रेगुलर प्रोसेस. सी स्टूडेंट्स एग्जाम्स में यू नो कई बार ऐसे भी पूछते हैं एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस, फीचर्स ऑफ बिजनेस, आई मीन डोंट गेट कन्फ्यूज, ये एक आंसर ही है, ठीक है? मतलब नेचर बिजनेस क्या होता है उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? सो क्विकली वी आर बिगिनिंग. द फर्स्ट वन इज रेगुलर प्रोसेस. सी स्टूडेंट्स आप रेगुलर प्रोसेस की अगर बात करो, रेगुलर मीन्स व्हाट, समथिंग दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है? अगर मैं आपको बता रही हूँ फॉर एग्जांपल कि मेरा मोबाइल फोन का बिजनेस है, मैं मोबाइल फोन्स बेचती हूँ, तो आप देखो फैक्ट्री में अगर मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन, ओके आई डोंट नो पूछा है कि नहीं, जस्ट आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स, हैव यू पीपल एवर बीन टू अ फैक्ट्री, गए हो कभी? आई डोंट नो स्कूल में एंड ऑल आ रहे कि वो मिल्क फैक्ट्री में लेके जाते हैं काफी स्कूल्स, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने फैक्ट्री कभी देखी है कि नहीं. ओके तो मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगी आज, मुझे दोनों मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, यस नो बोथ. मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे मशीन्स जो होते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है? मैं आपको कंटिन्यूअस का स्टूडेंट्स मीनिंग यही था बेसिकली कि समथिंग दैट इज ऑन गोइंग, मतलब मैंने फॉर एग्जांपल आज मोबाइल फोन बनाए मे बी 100 यूनिट्स, कल नहीं बनाए, नो ऐसा नहीं है. रेगुलर मीन्स वो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, कंटिन्यूअस मतलब वो कभी स्टॉप नहीं होने वाला है, ओके ठीक है. ओके द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. सी स्टूडेंट्स इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स आप सबको सब्जेक्ट है, उसमें वॉट आर द टर्म्स, बेसिक टर्म्स, डिमांड सप्लाई वो सब है. तो आप देखो अगर आप देखो यू नो बिजनेस में इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है?
सो एक सिंपल एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ. सी, मैं मोबाइल फोन का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करूंगी थ्रू आउट माई लेक्चर. व्हाट आई टोल्ड यू इज, यू नो, मोबाइल फोन्स मैं बना रही हूँ. तो आई मीन, मैं क्यों बना रही हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज देर इज अ कस्टमर हु हैज अ नीड, येस और नो. उसे मेरा प्रोडक्ट खरीदना है तो ही बिकम्स माई कस्टमर एंड आई एम द सेलर. ओके, नाउ सी, इसमें डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट आ ही जाता है. उसको डिमांड है, मैंने उसको प्रोडक्ट सप्लाई किया, राइट? उसके अलावा भी स्टूडेंट्स, इफ आई गिव यू सम एग्जांपल, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गिव यू एग्जांपल, यू नो, करंटली आप देखो कोरोना वायरस इज गोइंग ऑन. आप सब लोग भी न्यूज़पेपर ऑल ऑल में पढ़ते ही होगे, राइट? व्हाट हैज हैपेंड बेसिकली इज, यू नो, इकोनॉमी हम बोलते हैं खराब चल रही है. मीन्स वॉट बेसिकली, सी स्टूडेंट्स, ओके, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर. आप लोग मुझे बता सकते हो करंटली इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है? कैन एनी वन थिंक अबाउट इट एंड आंसर मी इन द चैट बॉक्स? इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम करंटली वॉट इट इज, सोच के बताओ. सी, इवन इफ यू आर रॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू ऑल. वेरी गुड, आई गॉट द आंसर. लेट मी सी, यू ऑल आर राइट बेसिकली. फैजा, शिवानी, करेक्ट आंसर. मुझे ऋषिकेश इज द फर्स्ट वन टू आंसर, अमीशा एंड भाग्यश्री. वेरी गुड. जॉब्स मतलब बेसिकली हम इकोनॉमिक्स के वर्ड की बात करें तो इट इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? दैट इज द राइट आंसर. यस अरमान, मतलब आप देखो इंडिया में देखो जॉब्स नहीं है. लाइक लोग पढ़ भी रहे हैं फिर भी दे डोंट हैव एनी जॉब्स, राइट? मैं आपको यहाँ पे वही बताना चाहती थी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हम बिजनेस में सिर्फ यही बोलते हैं ना कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है, डिमांड फुलफिल हो रही है कस्टमर की. सिर्फ इतना नहीं है स्टूडेंट्स. आप देखो मोदी जी क्यों इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं कि यू नो सब एंटरप्रेन्योर्स बनो, स्टार्टअप को इतना क्यों एंकरेज कर रहे हैं वो? बिकॉज इंडिया में सी पढ़ाई करके तो जॉब सब ले लेते हैं, बट द मेन थिंग इज जॉब क्रिएशन. आप जॉब क्रिएट करो तो ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, राइट? तो मैं जैसे कि आपको कोरोना वायरस का एग्जाम्पल दे रही थी, अभी आप देखो बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक वर्ल्ड में सब जगह पे, आप बी इट एयरलाइन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, सब कोई बिजनेस सब बंद हो गए, राइट? मैं आपको वही बोल रही थी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब करंटली अगर आप देखो रिसेशन का टाइम चल रहा है. ओके, मतलब कुछ आई मीन सी इकोनॉमिक्स में आई एम श्योर यू हैव हर्ड टर्म्स होता है बाइंग पावर, जीडीपी, आप सब लोगों ने वो लिखा है वो. प्रतीक प्लीज डोंट डू दिस स्क्रिबलिंग अदरवाइज आई विल हैव टू थ्रो यू आउट ऑफ द लेक्चर. फाइन, आगे ऐसा मत करना, ठीक है? हाँ, तो मैं आपको बेसिकली वही बता रही थी. ओवर हियर इज सी, क्या बताना चाहती थी मैं आपको कि करंटली कोरोना वायरस की बात चल रही है, ठीक है? तो उसमें अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो करेंटली सी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अभी इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, जॉब्स जा रहे हैं लोगों के. ओके, मतलब सी बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, वही मैं आपको बोल रही थी, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज क्रिएट्स यूटिलिटी. सी स्टूडेंट्स, यूटिलिटी का कंसेप्ट आपको आगे भी आएगा, लाइक यू नो प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी. अभी मैं आपको सिर्फ एक सिंपल चीज समझा रही हूँ. ओके, सी अगर बिजनेसेस होते हैं इनको यू नो आइडियली, ओके आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, यू टेल मी इन द चैट बॉक्स. हमारे पेरेंट्स जब हमारी एज के हुआ करते थे, जब कॉलेज जाया करते थे, टेल मी स्टूडेंट्स, वो टाइम पे क्या वो लोग मोबाइल फोन यूज करते थे हमारे जैसे? जस्ट आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स. या तो आई वुड पुट इट दिस वे, मोबाइल फोन, चलो मोबाइल फोन यूज करते थे, आई मीन मोबाइल फोन के बिना क्या वो लोग की पढ़ाई होती थी? इट्स अ बिग येस, थैंक्स फॉर आंसरिंग. मैं आप लोगों को यहाँ पे वही बताना चाहती थी किसी क्रिएट्स यूटिलिटी मतलब कई बार यू नो हमें
जरूरत नहीं होती है बेसिकली प्रोडक्ट की। मार्केटियर्स आर सो स्मार्ट, दे क्रिएट डिमांड फॉर अ पर्टिक्युलर प्रोडक्ट। ठीक है, वही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। यूटिलिटी मतलब टू मेक यूज ऑफ समथिंग। ओके, तो आई मीन कई बार इट डिपेंड्स ऑन सेलर्स मार्केटर्स कि आप प्रोडक्ट का डिमांड कैसे क्रिएट करते हो। आज के टाइम में इफ यू ऑल सी, मोबाइल फोन हैज बिकम अ मस्ट, नेसेसिटी हो गई है। इसके बिना हमारा काम ही नहीं चल पाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ स्मार्ट बिजनेसेस आर। ओके, नेक्स्ट वन इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर आप ये पॉइंट देखो कैपिटल रिक्वायरमेंट का, सी अगर मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैपिटल मतलब कुछ पैसा मुझे लगेगा ही, येस और नो, टू स्टार्ट द बिजनेस। लाइक आई कैन नॉट से कि यू नो मेरे पास 0 रुपीज है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। सी मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, बट इन जनरल अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे मोबाइल फोन्स बनाने हैं, ओके, तो आई मीन उसके लिए मशीन्स एंड ऑल तो लगेंगे ही ना मुझे। ऐसा नहीं है ना कि मैं हाथ से बनाने वाली हूँ। ओके, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, सी दिस पॉइंट एंड योर सिक्स पॉइंट रिस्क, दे आर इंटर रिलेटेड। आई विल टेल यू हाउ। रिस्क का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, पे अटेंशन। आइडियली एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर 10 बिजनेसेस आते हैं ना, तो उसमें से ओनली 2 ऑफ देम बिकम सक्सेसफुल, 1 और 2। इसका क्या मीनिंग हो जाता है कि बाकी के जो 8 बिजनेसेस है वो लोग लॉस कर देते हैं। ठीक है, वो पैसा नहीं कमा पाते। नाउ व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर इज स्टूडेंट, सी ओके, बिजनेस तो सब कर रहे हैं, येस और नो, 10 लोग, बट उसमें से जो 8 लोग है, मैंने कहा दे आर मेकिंग लॉसेस, वो आगे बिजनेस नहीं टिकने वाला है। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या समझाना चाहती थी, आप लोग ही मुझे बताओ, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये क्या वो ये मोटिव से स्टार्ट करेगा कि हाँ मुझे आगे जाके लॉस होने ही वाला है? जस्ट आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स कि मेरा जो कैपिटल है, पैसे जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिजनेस में, मुझे लॉस होने वाला है। कोई ऐसा सोच के करेगा क्या? लेट मी सी, आई वॉन्ट एवरी वन्स इन्वॉल्वमेंट। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग, इट इज अ बिग नो। ओके, दीपाली, प्रतीक्षा, फैजा, गीतिका, वृषाली, शिवानी, अफसाना, सीमा, स्नेहल, अंजलि, ओमकार, पूनम, रजा, शिवानी, सागर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एक्टिव। ओके, इसलिए मैं आप लोगों के नाम पढ़ रही हूँ। बॉयज का काफी कम इन्वॉल्वमेंट है, ये सभी आए हैं आंसर्स। शिवानी, सागर, भक्ति, निकिता, प्रतीक, साहिल, रंजन, थैंक यू सो मच। ओके, अरमान, ग्रेट। सो सी, मैं आपको क्या बोल रही थी, सी स्टूडेंट, अगर कोई ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड के साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा ना कि मुझे पैसे तोड़ने हैं, मुझे लॉस ही होगा, तो कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो सी, बिजनेसमैन टेक अ वेरी ह्यूज रिस्क। ओके, आई मीन रिस्क का मीनिंग क्या हो जाता है, नॉट जस्ट फिनेंशियल रिस्क स्टूडेंट्स। मैं आपको कई बार बता देती हूँ, आई हैव हर्ड ऑफ सो मेनी पीपल, जो लोग अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस में पूरा कमाया हुआ पैसा लगा देते हैं। ठीक है, फिर से आई मीन वो लोग ऐसा नहीं सोचते कि मुझे वो जॉब फिर वापिस नहीं मिला तो मेरे सब पैसे डूब गए। तो आई मीन इट्स नॉट ओनली, नो डाउट फिनेंशियल रिस्क तो है, आप अपनी लाइफ का भी रिस्क ले रहे हो। ओके, आई मीन काफी उसमें मेंटल प्रेशर होता है जो आप लेते हो, राइट? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। हमारे 5 पॉइंट हो गए हैं। सी, मैं 6 पॉइंट भी कर रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को पूछूंगी। ये पॉइंट काफी इजी है क्योंकि डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, एज यू ऑल नो, गुड्स सर्विसेज, मैंने आपको ये काफी बार कहा है, राइट? क्या मीनिंग हो गया इसका, गुड्स एंड सर्विसेज? मतलब अगर मैंने आपको मोबाइल फोन का कहा तो दिस इज अ प्रोडक्ट या तो गुड, ठीक है? सर्विस की बात करूँ, मतलब करंटली कॉलेज का एग्जाम्पल ले लो, आप लोग एडुकेशन जो ले रहे हो ये सर्विस हो गई है, राइट? हम आपके, आप जो पैसे देते हो, वी आर कंडक्टिंग लेक्चर्स फॉर यू ऑल, इट हैज बिकम अ सर्विस। ओके, और भी अगर एग्जाम्पल दू,
ब्यूटी पार्लर में आप हेयर कट करवाने जाते हो, या तो फ्लाइट से आप ट्रैवल कर रहे हो, ओके, तो ये सब सर्विसेज हो गई। तो वही, इट कैन ईदर डील इन गुड्स और सर्विसेज। आप देखो स्टूडेंट्स, करंटली सर्विसेज का बहुत टाइम चल रहा है, लाइक लुक एट अमेजोन, स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन। आप देखो अमेजोन खुद प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, इट इज कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स, बीच में जो कमीशन होता है दे टेक इट, ठीक है। मतलब सच, आई मीन इवन लुक एट, आप सब ये जो यूज करते हो फेसबुक इंस्टाग्राम, कुछ प्रोडक्ट नहीं है राइट, बट मार्क ज़करबर्ग एंड ऑल क्यों इतने करोड़ों पति हो गए, बिकॉज दे आर डिलीवरिंग सर्विसेज, ओके। सो नाउ हमारे 6 पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स, आप एक बार जस्ट ये पॉइंट्स देख लो, हेड पॉइंट्स। किसी को इसमें कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी नाउ, एंड अगर समझ में आया है तो येस लिखो। सी राधर देन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आस्किंग मी क्वेश्चंस पर्सनली, आप लोग मुझे लेक्चर के टाइम में ही पूछा करो, ताकि सबको मैं बोल सकूँ आपके जो भी डाउट्स एंड ऑल है। Any point you want me to repeat? Thank you so much for answering. Thanks a lot. Fine. So what I'll do is, बाकी के हमारे 4 points रह गए हैं, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी, असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगी, एंड आई विल शो यू 2 वीडियोस, ओके। एक तो नेचर ऑफ बिजनेस पे, दूसरा आप लोगों ने फैक्ट्री नहीं देखी है, तो आई विल जस्ट शो यू रफली फैक्ट्री एंड मशीन्स कैसे दिखते हैं, ओके। फटाफट आंसर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट अर्निंग मोटिव। स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको कहा ही था लास्ट लेक्चर व्हेन आई वाज डूइंग मीनिंग ऑफ बिजनेस, मैंने आप लोगों को तब भी कहा डिफाइन बिजनेस इन वन वर्ड, द ओनली वर्ड दैट शुड कम टू योर माइंड इज प्रॉफिट, राइट। सी स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेसमैन एक ही चीज, ओके, नाउ जस्ट टेल मी, आई एम आस्किंग यू एक वन मोर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, शायद मैंने बोला भी होगा, मैंने आपको एनजीओस के बारे में बोला था, व्हाट आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ मतलब सी, मैं आपको वही बोल रही थी, अगर हम चैरिटी या सोशल वर्क करते हैं ना, किसी को फॉर एग्जांपल फ्री में कपड़े देना, खाना देना, वो बिजनेस नहीं है, हम प्रॉफिट के मोटिव से कर रहे हैं। सी एनजीओ जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, दैट वी डू फॉर सोसाइटी आउट ऑफ सिंपथी, सोशल ऑब्लिगेशंस पॉइंट है उसमें, आई विल टेल यू दैट। बिजनेस मतलब स्ट्रिक्टली आई एम डूइंग इट फॉर माई ओन बेनिफिट विच इज प्रॉफिट, ओके। मैं सोसाइटी को सर्व नहीं कर रही हूँ, सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं खुद का मेरा प्रॉफिट ले रही हूँ, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, मतलब मेरा फायदा हो रहा है, ओके। नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड। सो वेरी सिंपल पॉइंट स्टूडेंट, सी आफ्टर ऑल ये सब बिजनेस मार्केटिंग ये सब कंसेप्ट आया क्यों है, कस्टमर को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है इसलिए, राइट। अभी सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एप्पल का आईफोन होता है, 1 लाख रुपये का भी फ़ोन आता है, राइट। सो इफ़ यू हैव सीन मेनी पीपल बाय दे बाय इट इज़ बेसिकली उन्हें ज़रूरत है, ओके। हम लोग भी क्यों 10,000 15,000 एक फोन के पीछे खर्चा करें, बिकॉज वी नीड इट। सिंपल नेचर ऑफ बिजनेस में वही हो जाता है कि कस्टमर की जो नीड है उसे फुलफिल करना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिजनेस, ठीक है। इसलिए तो वो लोग मुझे पैसा दे रहे हैं, एंड ये जो पैसा दे रहे हैं उससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज इन्वॉल्व बायर एंड सेलर। ये भी काफी इजी पॉइंट है स्टूडेंट्स, राइट। इन्वॉल्व बायर एंड सेलर मतलब क्या मीनिंग है उसका, इज यू नो कि एक बायर मतलब जो तुमसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, योर कस्टमर, एंड सेलर मीन्स व्हाट, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, देर आर बेसिकली 2 पार्टीज, ठीक है। बिजनेस का ये सब बेसिक चीज़ें है जो आपको पता होनी ही चाहिए। अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल ऑब्लिगेशन स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी
इसका मैं आपको इसका भी ये पॉइंट पे से भी वीडियो दिखाने वाली हूँ आज। इसका क्या बेसिक मीनिंग है इसी, आफ्टर ऑल हमें एज अ बिजनेस सब पैसा कहाँ से आ रहा है, लोगों से, राइट, प्रॉफिट हो रहा है। तो सोशल ऑब्लिगेशन मीन्स व्हाट सी, जो अच्छे बिजनेसेस होते हैं लाखों करोड़ों में कमा रहे, तो इवन हमारे सोसाइटी में जो वीकर सेक्शंस है ना स्टूडेंट्स, तो हमें, डोंट यू थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनके लिए भी कुछ करें, राइट। सी स्टूडेंट्स, उनके लिए हम जो कर रहे हैं वो इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक एन एनजीओ, मतलब सोशल सर्विस। हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हम प्रॉफिट। सी, एक एग्जांपल देती हूँ। अगर यू नो मैं रास्ते में कुछ खरीदने जा रही थी, ठीक है, तो आई मीन मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि मेरे लिए भी एक पैकेट ब्रेड लेके आ, ठीक है। तो आई मीन सी व्हाट आई मीन टू शेयर इज, मैं उसके लिए ब्रेड लेके आई, मैंने उसे फुल प्राइस लिया उससे, ठीक है। तो बिजनेस इज समथिंग लाइक दैट। एंड एट द सेम टाइम रास्ते पे मैं वो जब ब्रेड लेने गई थी उसका और मेरा, तो मैंने यू नो बेचारा एक छोटा बच्चा देख लिया, भिखारी है, काफी पतला है, काफी दिनों से शायद खाना नहीं खाया होगा। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने उसको ब्रेड ऐसे ही फ्री में तीसरा पैकेट लेके दे दिया। नाउ आई वोंट एक्सपेक्ट ना कि वो भिखारी से भी मैं पैसे लूंगी, नो। उसके लिए जो मैंने किया दैट इज सोशल सर्विस, फ्री में आउट ऑफ दया में आके कुछ किया, राइट। सो आई होप दिस हैज क्लियरली मेड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सोशल सर्विस एंड प्रॉफिट। अभी आप लोग ये काम करो, ये सब पॉइंट्स देख लो, किसी को कुछ भी डाउट है आस्क मी इन द चैट बॉक्स नाउ। ओके, लास्ट पॉइंट का आई एम शोइंग यू अ वीडियो नाउ, ओके, उससे आपको समझ में आएगा। ओके सी स्टूडेंट्स, ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है फॉर टुडे। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस अलोंग विद एग्जांपल्स। जैसे कि मैंने आपको कहा है, ये आंसर आप लोग कब लिखोगे? अभी नहीं, हम यू विल राइट इट ऑन फ्राइडे, जब मैं आपके साथ नोट शेयर कर दूंगी तब, ठीक है। अभी आज के लेक्चर हमारा सिर्फ एक्सप्लेनेशन हुआ है। एवरी वन प्लीज टाइप येस इन द चैट बॉक्स, तो मुझे पता चले कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो प्लीज टेल मी नो, कुछ भी डाउट है। लास्ट पॉइंट में जो लोग को डाउट है आई एम एक्सप्लेनिंग, अब भी मैं उसका वीडियो दिखा रही हूँ। थैंक यू सो मच, गुड टू सी सच एंथुसियाज्म। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, सी हमारे पास 10 मिनट ही रह गए हैं, तो मैं आप लोगों को पहले एक वीडियो सोशल ऑब्लिगेशन पे दिखा रही हूँ, फिर व्हाट अ फैक्ट्री लुक्स लाइक, ठीक है। इसके बाद अगर टाइम रहा तो आई विल शो यू व्हाट इज अ बिजनेस नेचर, ठीक है। नेचर के लिए अगर टाइम नहीं रहा तो आई विल शो इट टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। So let me start sharing my screen now and stop sharing this. Thank you so much for answering. Okay. Yeah, I will share my screen now. Just give me a minute. जैसे कि मैंने आपको कहा, पहले मैं लास्ट पॉइंट जो है आई एम शोइंग यू द एग्जांपल ऑफ अ कंपनी, मैंने डी डिवीजन में भी दिखाया था, ओके। देयर इज अ कांसेप्ट योर सीएसआर का, किसी को अगर पता है तो टेल मी सीएसआर का फुल फॉर्म क्या है इन द चैट बॉक्स। नहीं पता है तो आई शो इट टू यू क्या है वो। हाँ सी, ये वीडियो मैंने वो क्लास को दिखाया था, आप लोगों को भी जस्ट ऑब्जर्व लास्ट आपका जो पॉइंट है, लेट मी स्टार्टिंग में कर लो। सी स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल काफी अच्छा है, इसमें मेरे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। जो लोग ने फैक्ट्री नहीं देखी है ये वीडियो में दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। या
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द राइट वर्ड। आप लोग सिर्फ वीडियो ऑब्जर्व करो, बीच में अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो ठीक है, आई विल शेयर माई ओपिनियन विथ यू। ही इज बेसिकली द फाउंडर पर्सन, हैवेल्स करके एक कंपनी है, वो यू नो अदर देन प्रॉफिट मोटिव, सी प्रॉफिट है तभी वो लोग इतना बड़ा बिल्डिंग एंड ऑल खड़ा कर सके, राइट। इसके अलावा वो लोग आउट ऑफ दया में, सिंपथी में आके क्या कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, उसके बारे में ये वीडियो दिखाया गया है, ठीक है। मतलब कि बेसिकली ये कितना हमें देना है, क्या करना है सोसाइटी के लिए, ये जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनके ही हाथों में है। अभी मेन वीडियो स्टार्ट होगा। सी गिविंग टू द फ्यूचर, हमारे देश का फ्यूचर कौन है, बच्चे, राइट। सो सी व्हाट हेवेल्स इज डूइंग फॉर दीज किड्स, सी फ्री में एडुकेशन देना। हेवेल्स ने पूरा पैसा लगा के एक स्कूल खड़ी की है, ओके। सी दे आर गिविंग एडुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, सब खर्चा, स्कूल बुक्स एवरीथिंग, टीचर्स की सैलरी दे आर पेइंग। ये बेसिकली क्यों वीडियो दिखाया है, यू नो ये राजस्थान में दे आर हेल्प बेसिकली, तो मतलब गवर्नमेंट के साथ वो लोग ये इनिशिएटिव कर रहे हैं। सी स्टूडेंट्स, मिड डे मील प्रोग्राम, मतलब फ्री में लंच देना बच्चों को, ओके। सी कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है, लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं होते, दे डोंट सेंड देयर किड्स टू स्कूल्स, ओके। तो इसलिए दे मेक श्योर कि वो फ्री में खाना भी देते हैं, बिकॉज आप लोग ही मुझे बताओ, पहले हमारी बेसिक नीड यही है खाने की, अगर खाना ही नहीं मिल रहेगा कोई भूखे पेट थोड़ी पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए कहा है, सी ये आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। BMI इज बॉडी मास इंटेक, मतलब आप देखो कितने दुबले पतले हैं सब लोग, ओके। सी ड्रॉप आउट रेट, मतलब वही कि लोग स्कूल छोड़ देते हैं, व्हाई, बिकॉज कई बार पैसे नहीं होते, दैट इज व्हाई दे मेक श्योर ये सब फ्री में कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, पैसे नहीं मांग रहे, इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, राइट। आपने अगर देखा वो टीचर्स को भी सैलरी देने का काम ये लोग ही कर रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, सी मैं आपको बोल रही थी, देखो ये फैक्ट्री हो गई, वहां पे इतने बड़े मशीन्स यूज होते हैं, सी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पे खाना भी फैक्ट्री में दे मेक श्योर हाइजीन सब क्लीन हो, ओके। सो अभी आपको पता चल गया होगा फैक्ट्री भी कैसी दिखती है, वहां पे देखो सब मशीन ऑटोमेटिक सब बनाते हैं, आगे भी एक वीडियो आएगा उसमें भी आपको दिखेगा, राइट। सी हाउ क्लीन फूड, ऐसा नहीं है कि फ्री में कुछ भी गंदा खाना दे रहे हैं। सो फॉर दोज ऑफ यू ऑल डोंट नो, शी इज बेसिकली अ पॉलिटिशियन जो हेल्प कर रही है, राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है। सो शी इज वसुंधरा राजे, आप लोगों को उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। सी नाउ दिस इज व्हाट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज यू नो टॉयलेट्स, क्लीन टॉयलेट्स दे रहे हैं सबके लिए, राइट। स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योर सेल्फ ड्यूरिंग द वीडियो। सी तो आई मीन उन्होंने अच्छे टॉयलेट्स भी बनाए हैं। सी स्टूडेंट, ये सब चीजें आपको लगती होगी कि मैम इसमें क्या बड़ी बात है, बट यू नो पीपल ओवर देयर, ऐसी ये सब हमारे यहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज होती है ना, वो लोग के पास ये सब भी नहीं है, ओके। सी क्लीनलीनेस, अच्छे टैप्स, पानी आता है, कई जगह पे तो पानी भी नहीं आता है, राइट। वही उन्होंने दिखाया है कि हाइजीन भी कितना जरूरी है, ओके। अलवर इज बेसिकली द नेम ऑफ द प्लेस, ओके स्टूडेंट्स, जहाँ पे ये स्कूल है, ये सब आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दे हैव जस्ट शोन इतना सारा उन्होंने काम किया है फॉर द सोसाइटी। अब ये सब देखो, टीचर्स जो है इनकी सैलरी देना, क्लासरूम्स एंड ऑल एवरीथिंग कंपनी ने खुद के पैसों से करके रखा है, राइट। हाउ द टीचर्स आर एक्सप्लेनिंग इट टू देम, सच अ गुड इनिशिएटिव, राइट। प्रॉफिट का ना सोच के अवर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, ओके। दिस इज नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी स्टूडेंट्स, आई वॉज टॉकिंग अबाउट फैक्ट्रीज, वो सब ऐसे दिखते हैं, ऐसे मशीन्स यूज होते हैं वहां पे फैक्ट्रीज में, यू नो।
मतलब वही काम चालू ही रहता है प्रोडक्शन का। आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को ये नहीं होता है? सेल्फ फिनेंसिंग कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं, ओके? उन्हें एक्चुअली ऐसी फैक्ट्रीज में हम लेके जाते हैं, गिविंग टू द एनवायरमेंट। सी स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ खुद के बारे में, हम लोगों के बारे में ही सोचते हैं, यू नो, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्लांटिंग ट्रीज ऑल्सो, ओके? सच अ गुड इनिशिएटिव। 1 मिनट, लेट मी कम टू द चैट बॉक्स। स्टूडेंट्स आर टोल्ड यू टू म्यूट योरसेल्फ, क्यों आप लोग खुद को अनम्यूट कर लेते हो? प्राची, क्यों आपने खुद को अनम्यूट करके रखा है? नेक्स्ट टाइम इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस, मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ स्टूडेंट्स कि आई विल यू नो पुट यू, आई मीन आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द लेक्चर, ओके? बिकॉज आपकी वजह से सब स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब होता है, ठीक है? सो कंटिन्यूइंग बैक विद द वीडियो, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर डिस्टर्बिंग, बिकॉज मैनी ऑफ यू डोंट नो, ठीक है? सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन विथ यू। सी दिस इज हाउ लेक्चर गेट्स डिस्टर्ब, फिर आप सब लोगों को नहीं समझ में आता, लिंक टूट जाती है, ओके? फाइन, सो फिर से मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखा रही हूँ, एंड फिर लास्ट और एक मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी, ठीक है? नेचर ऑफ बिजनेस का। ओके, लेट मी कंटिन्यू विद दैट वीडियो, वो वीडियो हम पूरा कर देते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है? हाँ, सी फैक्ट्रीज ऐसे ही दिखते हैं। वो लोग देखो कैसे बेंचेस एंड ऑल बना रहे हैं स्टूडेंट्स, सी मशीन्स कैसे यूज होते हैं। सस्टेनेबल टुमारो, राइट? सी दिस इज हाउ, इतने बड़े, वी एक्चुअली यू नो इवन ड्यूरिंग एमबीए टाइम आल्सो स्टूडेंट्स वी यूज टू गो टू सच प्लेसेस देखने के लिए, राइट? सी कैसे पूरे सोसाइटी को काम आ रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स? सो सी ऐसे आपको काफी एग्जांपल्स मिलेंगे। अभी टाइम कम है इसलिए मैं आप लोगों को दूसरा एक वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है? नेचर ऑफ बिजनेस का फटाफट एक वीडियो आई विल शो यू। हाँ, ये छोटा वीडियो है, आई विल फिनिश दिस देन विल स्टॉप विद द लेक्चर, ओके? मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर में जो करवाया उसका ही रिवीजन है, ओके? एक एक्टिविटी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट? ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यस, प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस होता है। जस्ट ऑब्जर्व वॉट इज शोन, मैं आपके लिए ट्रांसलेट करती हूँ, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, राइट? ये सब उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ओके? बेसिकली वो प्रोसेस समझाए यहाँ पे, आपको फ्यूचर में ये सब आने ही वाला है, राइट? हाँ, एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, नो नीड टू राइट। मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स दिया यू कैन राइट दोस,
प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, एक ही मोटिव से हम बिजनेस करते हैं, विच इज प्रॉफिट, राइट? सी स्टूडेंट्स, प्रॉफिट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, पे अटेंशन फॉर अ बिजनेस. अगर मैं बात करूँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स लेटर. रिस्क ऑफ रिस्क, फुल ऑफ रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? रिस्क हमें लेना ही पड़ता है बिजनेस का. कोई बिजनेस स्टार्ट करते टाइम ये नहीं सोचेगा कि मुझे नहीं हुआ प्रॉफिट तो. ओके, आइडियाज. सी स्टूडेंट्स, बिजनेस में कॉन्स्टेंटली वी हैव टू डेवलप न्यू आइडियाज, ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिमांड सप्लाई का मैंने आपको जो बोला था वो, राइट? यूटिलिटी क्रिएशन, मतलब बेसिकली क्या है, इसमें दो टाइप्स थे, प्रोडक्ट एंड टाइम यूटिलिटी प्लेस, वो मैं आपको समझाऊंगी. मतलब कोई भी प्रोडक्ट का बेसिकली यूज है, उसकी बात हो रही है, ठीक है? ये पॉइंट आपको नहीं है, सो आई एम स्टॉपिंग योर वीडियो योर, राइट? ठीक है स्टूडेंट, सो अब लेक्चर टाइम भी होने को आया है. अब आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर. दिस